Okay, bye. हेलो हाँ भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, सलाम अलैकुम। आपके दीन ईमान में सलाम नहीं होता क्या? सलामत पहल करनी चाहिए। आपने तो गाली से पहल की, कैसे सलाम करें आप? आपसे तो मैं गाली से बात करूँगा ना। मैंने खिताबत से नवाज खान बताया। एक बात बताऊंगा आपको। जब आप फोन कर रहे थे तो लाइव स्ट्रीम चल रही थी, बताए आपको क्या चल रही थी? लाइव स्ट्रीम हमारा प्रोग्राम चल रहा था। आप दोनों को यहाँ पे आप लोग, मतलब आपके जो एतराजात हैं वो कुछ ऐसे बचकाना लग रहे हैं कि आप लोग लाइव स्ट्रीम में, भाई प्रायोरिटीज होती हैं। स्ट्रीमिंग जो होता है वो फुल हैंड फंक्शन होता है। आप कमेंट्स रीड कर रहे होते हैं, आप लाइव जो है ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, फिर आपके जहन में जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जो है वो हर किसी को इनबॉक्स में जा जाके, क्योंकि हमारे उस वक्त थाउजेंड्स ऑफ स्माइलीज जो हमें देख रहे होते हैं वो सब हमारे साथ इनबॉक्स में, और सबको ही बात करनी होती है। तो ये इरेलीवेंट आपका एक्सक्यूज है। लेकिन आ जाते हैं असल बात पे कि एतराज़ क्या है और आपका जो कांटेक्ट करने का पर्पस था हमारे साथ नूर मौलाना पेज पर वो क्या था? पर्पस ये था कि आपने ये ग्रुप बनाया है, तो इसका क्या पर्पस है? आप पहले तो ये बताइए, और सेकंड आप मुझे ये बता दें कि आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्यों आपने टारगेट किया? व्हाई नॉट कि आपका मिशन तो यूनिक होना चाहिए ना। आप इस्लाम कर रही है ना, आप जो भी कर रही है, ठीक है, तो आपका तो सिंपल यही होना चाहिए भाई, लोगों को किस तरह से इस्लाम की तरह रावण किया जाए। आपके ग्रुप से कोई ऊपर की आपने भी पर्टिकुलरली ग्रुप को टारगेट किया, उससे भी लोग सारे ग्रुप में एक स्माइली अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भाई लोगों को सही जो तरीकेकार है उसकी तरफ रावण करें, दैट्स फाइन। वो हर एक एक्सेप्टेबल होगा, कोई उनके से शेयर नहीं, हर एक एक्सेप्टेबल। बट व्हेन यू टारगेट, तो उससे सामने वाला ये फील करता है कि यार देखें, अगर आप किसी फैकल्टी में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में, आप किसी साइंस के टीचर को ये नहीं कह सकते कि आपका काम तो तालीम देना है, आप बाकी सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पढ़ाते, ठीक है, इरेलेवेंट है। इसी तरह इस्लाम में भी बहुत सारी साइंसेज हैं, हदीस है, कुरान है, तफसीर है, इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुहद्दिस को कि आप कुरान क्यों नहीं पढ़ाते, आप कुरान के तफसीर और तराजुम करने वाले को ये नहीं कह सकते कि आप हदीस क्यों नहीं पढ़ाते। हम उससे कंपैरिजन अपना नहीं करते, लेकिन हमारा जिस चीज़ में फर्स्ट हैंड नॉलेज है हम वही स्प्रेड करेंगे। हम स्माइली थे, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्माइलिज्म छोड़ दिया, हमारे सामने जो है वो कुछ हकीकतें आई, हमने रिसर्च किया, अब हमारी जिस चीज़ में हमारा एक्सपीरियंस है हम उसी पे काम करेंगे। सेकेंडली जो कॉमन चीज़ें हैं, शिर्क हो गया है, बिदात हो गई है, डिफरेंट टाइप की चीज़ जिस पे हर मुसलमान बात कर सकता है, उस पे हम कहीं पर भी किसी को, इवन अपने हम बरेलवी भाइयों को या हम शिया हजरात को, हम जिनको भी देखते हैं, अगर उनकी कोई भी पॉइंट वो हो जिस पे हम बात कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी करते हैं। ये सच नहीं है कि हम खाली इस्माइलियों को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस्माइली रह चुके हैं इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी भाई, आगे बोलिए। अब आप भी मुझे बता दें कि आपके इस मिशन से आपको कितना सक्सेस आपको मिला है, ठीक है, रिस्पांस आपको मिल रहा है? हाँ, देखिए जो ग्राउंड पे होते हैं, जो उस फील्ड में होते हैं, उन्हीं के पास रिस्पॉन्सेज आते हैं। जैसे आप अपनी मिसाल ले लीजिए, आपने कहीं पर भी ऐसा नूर मौलाना या ऐसा कोई भी फेसबुक का पेज नहीं देखा होगा जहाँ पे पर्टिकुलर इस्माइलिज्म को एड्रेस किया गया हो इन कंपैरिजन विद इस्लाम, ठीक है, आपने कहीं पर भी नहीं देखा। तो आप क्या हुए, आप आए हमारे पास, अब आप हमसे बात करेंगे। जब आप हमसे बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आप रखेंगे, कुछ हम रखेंगे, जो भी चीज़ें वैलिड होंगी हम आपकी एक्सेप्ट करेंगे, जो आपकी सही हो नहीं होंगी आपको ये मानना पड़ेगा कि समवेयर इट इज़ लैकिंग। अब इसके अलावा रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह
तीन तरह के लोग जो है वो ग्राउंड्स पे हैं, तीन तरह के लोग जो है वो सोशल मीडिया पे हैं, उसके अलावा हम लोग डिफरेंट सोर्सेस से भी कुरान और हदीस जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। ग्राउंड पे बेसिस पे जो लोग हैं वहाँ पर सक्सेस इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि हम जिन लोगों को रिवर्ट करके अल्लाह के हुक्म से ही अल्लाह जिनको हिदायत देता है, अब उनको आगे फर्दर किसी किस्म की हेल्प चाहिए। हेल्प किस सेंस में, नमाज नहीं आती इस्माइलियों को, वजू का तरीका नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता, ठीक है जी आप लोग फला फला ग्राउंड पे चले जाइए, इंडिया में, पाकिस्तान, यूके, कनाडा, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट हमारे मिल जाएंगे, क्वार्टर्स मिल जाएंगे, हमारे ऑफिसेस मिल जाएंगे, आप उनसे रब्ता कीजिए। नहीं कर सकते तो आप किसी भी मुसलमानों की मस्जिद में जाते, लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक रिवर्ट समझा सकता है जो इस प्रोसेस से गुजरा है, क्योंकि जमात की तरफ से अब आपको कुछ चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी, आइसोलेशन भी होगी, फिर आप लोगों को दूर भी किया जाएगा, तो डिफरेंट चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे इनॉर्मस इनॉर्मस आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग आते हैं पहले इसी तरह गुस्से से, कुछ आर्गुमेंट में आते हैं, कुछ बातें करने आते हैं, कुछ पूछने आते हैं, तो उनको हम फिर कहते हैं कि जी आप जाके कुरान पढ़ लीजिए, तो रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और ये सब करम हमारे मालिक अल्लाह सुबहान तआला का है। देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करता हूँ, जी आप उसमें मुझे करेक्ट कर लें, ठीक जी है। तो बिल्कुल, कॉन्सेप्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट में हमारा, अगर आप इस्माइली रह चुकी थी, जी अब आप कन्वर्ट हुई है, तो ऑब्वियसली आपको सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है। तो बिल्कुल, मेरे हिसाब से आई मीन हाउ टू मैं आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि भाई हाउ डू आई कंसिडर मुस्लिम, और मेरे लिए इमाम का क्या रोल है मेरी जिंदगी में, एज एन इस्माइली नॉट इन योर क्रिएशन, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर तो मैं अगर इस्माइली हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन और जो आर्गुमेंट है वो ये है कि जो भाई साहब, इन्होंने भी मुझे जरा ना काफी मैसेजेस के अंदर उन्होंने ये बोला कि यार आप काफिर हैं, ये वो, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। एक मिनट, एक मिनट जी बोलिए। आपको कब काफिर बोला भाई? ये जो आपका फेसबुक का जो पेज है उसके जो एडमिन, तो आप एक काम करें, आप उसकी स्क्रीनशॉट निकालें और इनके मैंने आपको काफिर बोला। मुझे नहीं पता वो आप हैं या कौन है, बट मैंने उनको वहां बोला कि अच्छा देखिए प्लीज, झगड़े झगड़े नहीं, झगड़े नहीं स्टार्ट कीजिए, हम बड़े अच्छी डायलॉग करने लगे थे और मुझे लगता है कि इससे बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। हाँ प्लीज, मैं अभी सब ऑफिस में हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू डेडिकेट, क्योंकि आपने सही से बात की तो फिर मैं ऑब्वियसली अपना कमेंट जैसा सही से रखूंगा, बहुत शुक्रिया। अगर और आर्गुमेंट करना तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है बिल्कुल। अच्छा चले, आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला, तो लेट मी जस्ट ट्राई टू पुट कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिर देन वी कैन डिस्कस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू माय सेल्फ, ठीक है, हाउ डू आई कंसीडर मुस्लिम इज कि लुक, हमारा ईमान अल्लाह पर है, ठीक है, मानते भी है। अच्छा, हमारा ईमान नबुवत पर भी है, मानते भी है। अच्छा, हमारे ईमान कुरान पे भी है, मानते भी है, ठीक है। अच्छा, अब जो फोर्थ जो चीज आती है जो कि बाकी मुस्लिम से डिफरेंट है, वो है इमामत का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इमाम मेरे लिए बेसिकली है क्या, तो इसको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, उसके बाद फिर एक आप सेकेंड, बताइएगा। आप मुझे एक छोटी सी इंटरप्शन की इजाजत दीजिएगा, क्योंकि जब पहले ही जो आपने चार पॉइंट बोले हैं ना, मुझे उसमें एतराज है, क्योंकि इमामत तो एक ऐसी चीज है जो बहुत बात की बात है। हम बेसिक पे अगर बात करें तो आपने कहा हम अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, कुरान की भी मानते हैं, खत्म नबूवत और रिसालत भी मानते हैं, और हम उनकी मानते भी। आपने दो दो टर्म्स इस्तेमाल की, मुझे एतराज इस बात का है कि आप सिर्फ जबानी मानते हैं, आप अमलन नहीं मानते, और मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ मुंह से इकरार कर ले। उसके ऊपर फर्ज हो जाता है कि जो नबी का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जो कुरान कहता है, उसको पूरी तरह अमल भी करे। अगर वो उसका इनकार करता है तो वो भले अपने मुंह से 10 दफा अल्लाह का नाम ले, लेकिन इनकार करने की बेस पर माजरत के साथ लफ्ज इस्तेमाल करूंगी काफिर। काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। तो इस्माइली जी बिल्कुल, अगर हम तौहीद पर आ जाएं पहले, अगर हम तौहीद पर आ जाएं तो ठीक है। तौहीद,
सूरह इखलास में तौहीद की पूरी डेफिनेशन दी गई है ना, ठीक है, वही है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इसका मतलब आपको पता है? वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये जब आप भी पढ़ते हैं इस्माइली दुआ में, सारे मुसलमान भी पढ़ते हैं, मुझे ये बताइए कि जब आप ये जुमला पढ़ते हैं वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इसका मतलब क्या होता है? कोई मसला नहीं मेरे भाई, कोई मसला नहीं, उसमें सेंट्रल आइडिया नहीं लिया ना आपने, आपने सेंट्रल आइडिया नहीं लिया। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद का मतलब होता है आप जैसा कोई नहीं, आपकी जात जैसा कोई नहीं, ठीक है। अब जब इस्माइलियों का तस्वर लिया जाता है नूर के कॉन्सेप्ट का, कि अल्लाह का नूर इमाम में हुलूल कर जाता है, सही कह रही हूँ, इमाम के अंदर आ जाता है, मान रहे हैं ये बात को ना, तो इसमें ही आ जाता है वलम या कुल लहू कुफुवन अहद, यानी सूरह इखलास की जो है वो इनकार आ जाता है, क्योंकि अल्लाह एक तरफ कहता है कि मेरा जैसा कोई भी नहीं। देखो आप कहते हो इमाम जो है वो जमीन पर अल्लाह का मजहर है, ये आपकी किताबों में लिखा है, ठीक है, मजहर बोलते हैं ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना आप वो पढ़िएगा, वो समझिएगा। आपकी किताब कहीं, आपने कहीं किताब लिखी है? आपने कहीं किताब लिखी है मेरे भाई? ना मैंने किताब लिखी है। आपका कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? अच्छा सॉरी, मेरा नाम अलीना है, मेरा नाम अलीना है, आप अपना बता दी ताकि मैं आपको एड्रेस करने में मुझे आसानी हो। ओके अच्छा, आप क्या आप कह रहे हैं कि मैं आपका कॉन्सेप्ट पढ़ूं? मैं आपसे क्यों बहस कर रहा हूँ, मैं इसलिए बहस कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर वायलेशन अपनी मर्जी से आप लेकर आ रही है जो कि गलत है। मिसाली तौर पे आपने मुझे बोला कि जी खत्म नबूवत या अल्लाह ताला की जो है ना वहदानियत में आप शिर्क कर रहे हैं। मैं अपना पर्सन आपको बता रहा था, उसमें आपने इंटरप्ट करके कहा कि नहीं आप लोग देखिए, नहीं बात सुने भाई, जब आप अपने आप को ये कहते हैं ना कि मैं इस्लाम को अल्लाह ताला ने बहुत इजी वे में बताया है, ठीक है, और इस्लाम भी मतलब एक इजी कॉन्सेप्ट है और इजी दीन है, ठीक है ना, समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। अब हिस्टोरिकली हम अगर लेट से इस्माइली पैदा हुए हैं उसमें हमारी गलती तो नहीं है ना, तो नहीं है, लेकिन हमने चूंकि लिटरेचर पढ़ा, आप जैसे लोगों से मुलाकात भी हुई और भी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि जी नहीं हम लोग बिल्कुल ठीक है और बस बाकी बस दैट्स कॉन्क्रीट, हम बाकी बात ही नहीं करेंगे, मैंने तो ये नहीं कहा, ठीक है, जो ना कल्चर से लाइक वी आर मोर माइग्रेंट्स ऑफ इंडिया, आप खुद भी आई एम नॉट श्योर, देखो सही कह रहे हैं, यू आर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया, तो आपके जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी बुद्ध मत से ही रिलेटेड है, ठीक है, हिंदू कल्चर से रिलेटेड है, तो कुछ चीजें ट्रांसलेट हुई हूँ दैट आर रॉन्ग, ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली कल्चर का हिस्सा है, डांडिया की खेलना या रासुडा करना दैट इज रॉन्ग, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम के, मैं उसमें बात करूँ, मैंने ना आपसे नांदी छाटा मेहमान मैं कुछ भी नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ हम लोग को जो फाइव पिलर्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, एंड वंस यू आर फुली कमिटेड अपने दिल से ठीक है उसको तो आप वायलेट ना करें ना, ठीक है, मैं अगर मैं कहता हूँ अल्लाह है उसके ऊपर कोई और ना उसके बराबर कोई है वो मेरा कॉन्सेप्ट है, आप उसको वायलेट ना करें, आपका कॉन्सेप्ट तो ये है, पर जो कि मिशनरीज ने ये कहा है
अच्छा भाई, आपने कहा कि आप जो है वो आपका अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप हाजिर इमाम को, हाजिर इमाम के अंदर आप अल्लाह का नूर मानते हैं? ठीक है, गाइड जो है उसमें कोई डिवाइन पावर है, कोई कोई सुपर नेचुरल थिंग है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि विदाउट एनी कम्युनिकेशन आप उधर बैठे हो, मैं इधर बैठी हूँ, और हम आपस में जो है वो एक दूसरे से बात कर सकें। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो जो आपके हाजिर इमाम ने जो दुआ जमात को दी है सुबह शाम पढ़ने के लिए, उसमें तो वो उन्होंने क्लियरली कहा है कि तुम मुझे पुकारो। और जब इस्माइली जमात जमात खाने में हाजिर इमाम को पुकारती है तो उनका ये बिलीफ होता है, क्योंकि आपकी किताबों में भी, इवन इमाम के फरमान में भी है कि तुम मुझे हाजिर और मौजूद जानो, यानी कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। और जब कोई इस्माइली अपनी दुआएं मांगता है तो उनके उनका ये अकीदा होता है, जो कि बनाया गया है इमाम के जरिए ही किताबों में, गिनानों में, कि इमाम सुनता है, इमाम हाजिर अल मौजूद है, क्योंकि वो आपकी किताब में है, या हाजिर अल मौजूद शाह करीम अल हुसैनी। तो मेरा सवाल ये है कि इमाम जस्ट गाइड है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो एबिलिटी कैसे आई उसके अंदर कि वो इतने सारे इस्माइलियों की दुआ जो है वो एक टाइम पे सुन लेते हैं? इमाम आपकी नॉर्मल लाइफ की जिंदगी को राइट डायरेक्शन में बताने के लिए एक गाइड है, एक ट्रू लीडर है, लाइक अनबायस्ड, जो आपको ओपिनियन देगा बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस एंड नॉट ऑन हिज ओन, ठीक है। तो फरमान भी अगर मैं सुनता हूँ तो मैं इमाम को ये एक्सपेक्ट करते हुए सुनता हूँ कि वो जो फरमान है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन कुरान। नंबर वन पॉइंट मैं रेज करूंगी कि अगर जिंदगी की बेहतरी के हवाले से बात करेंगे तो सबसे बेहतरीन इमाम जो होते हैं ना, वो हर बच्चे की लाइफ में उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप ये बात करते हैं कि मेरे इमाम के जितने भी फरमान हैं, मैं ये सोचता हूँ कि वो आपको कुरान और हदीस से ही गाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि कुरान कुछ और कहता है, इमाम कुछ और कहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ भी कर सकती हूँ। इमाम ने वो चीज़ें अबॉलिश कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं, जो कि कुरान जिसके लिए बार बार हुक्म करता है, जैसे कि हज हो गया, ज़कात हो गई, नमाज, सलाह हो गई, वज़ू हो गया, तो आपके इमाम ने ये तमाम चीज़ें अबॉलिश कर दी हैं। और आपको पता है कि अला ज़िक्र सलाम के टाइम पर शरीयत को ख़त्म कर दिया गया। तो ये तो आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना मेरे भाई, कि एक तरफ आप कहते हैं, जी बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, इवन मैं आपको अभी, आप व्हाट्सएप पे हैं, मैं आपको आपकी बुक में से ही दिखा देती हूँ, जहाँ पे अला जिक्र सलाम ने रमजान के महीने में जमात का रोजा तोड़वाया, शराब और उसे, और उसको बाकायदा मिशनरी एक्सप्लेन कर रहा है कि यौमुल कयामा, कायम कयामत का मतलब पता है ना आपको, आपके, जी I'm not strong in history, ठीक है, मैं आपको सिर्फ अपना पर्सनल कॉन्सेप्ट समझा रहा था। देखिए मेरे भाई, मैं पर्सनल तो नहीं ना मैं बात कर रही, मैं सब लोगों की तर्जुमानी नहीं करूंगा कि भाई मैं हूँ इस्माइली तो मेरे सारे इस्माइली भी ऐसे ही है। मैं ये नहीं बता रहा था, मैं अपने आप को रख के आपसे चले। अगर मैं आप पे ही बात करती हूँ, आप जमात खाने में दुआ पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ बिल्कुल। उसमें आप बोलते हैं या इमाम जमा, या मौलाना अंत कुवती व अंत सनदी वाला इकतिकाली, या हाजर अल मौजूद शाह करीम अल हुसैनी। इसका तर्जुमा आपको शायद नहीं पता होगा, कि आप शायद खाली पढ़ के ही आते हैं।
उसमें आपको खास साफ अपने मुंह से इकरार, यानी जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है मुंह से इसका इकरार करना। आप कहते हैं कि या हाजिर मौजूद, तू ही मेरी कुवत है, तू ही मेरी ताकत है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, ए हाजिर ए मौजूद, यानी अभी तुम हाजिर भी हो और हर जगह मौजूद भी हो, ए शाह करीम अल हुसैनी हाजिर हाजिर इमाम। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि आप उसको मुंह से अटर कर रहे हो ना, शहादा दे रहे हो, ठीक है। अब आप बताइए आपका कॉन्सेप्ट क्या, ये क्लियर, आप इस कॉन्सेप्ट पे जो आप बोलते हो, आपका ईमान भी यही है कि हाजिर मौजूद है हाजिर इमाम, आपका सहारा भी है, आपकी कुव्वत भी है, उसी पे भरोसा है आपका? मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए क्या हजरत अलैहि सलाम का की तस्बीह पढ़ना गुनाह है या शिर्क है? ठीक है, आप मुझे ये अब आप पर, क्योंकि जो दावा करता है दलील उसके जिम्मे होती है, आप मुझे बताइए कि किस किस हदीस में, नहजुल बलागा की किस किताब में, शियों की किस किताब में हजरत अली ने अपनी जबान से खुद कहा हो कि मेरे नाम की तस्बीह लो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारो, अल्लाह ने अगर हुक्म दिया भी है तो वो दरूद और सलाम का दिया है, और वो कुरान से भी साबित है और वो हदीस से भी साबित है, लेकिन आपको कहीं पर भी तस्बीहात नहीं मिलेंगी, आपको कहीं नहीं सिखाया गया कि या मोहम्मद करो, या अली करो, या अली या मोहम्मद की तस्बीह पढ़ना या पुकारना, ये शिर्क कहलाता है या नहीं कहलाता? अगर आप मैं एक मिसाल दूंगी, अगर आप जैसे मेरे वाले साहब अब दुनिया में हयात नहीं है, मैं किसी गम में उनको कहती हूँ अरे मेरे अब्बू, तो मेरा ये तो नहीं है ना ईमान के मेरे अब्बू आके मुझे उस तकलीफ से निकालेंगे, मैं उनको प्यार से पुकार रही हूँ या मैं उनको याद कर रही हूँ गम में। लेकिन अगर आप, मैं ये बोलूँ ऐ मेरे अब्बू मेरी मदद कर, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगी कि मेरे वाले साहब कब्र में लेटे लेटे मेरी मदद को आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाता है शिर्क, समझ रहे हैं? देखिए भाई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जहां पर भी शिर्क, चाहे वो इस्माइली जमात में हो, शिया जमात में हो, बरेलवी में हो, इसके अलावा कहीं पर भी, इवन कादियानी भी आ जाता है, अगर वो ये बात करता है कि मैं अपने मिर्जा कादियानियों को अपनी नमाज में पुकारता हूँ या मैं उसको दुआओं में याद करता हूँ, तो वो शिर्क है। इसी तरह मैं, अगर कोई बरेलवी आता है वो कहता है मैं या मोहम्मद की तस्बीह निकालता हूँ, हम उसको भी कहते हैं कि भाई कहाँ है ये, बिल्कुल बिल्कुल। यही मैं आपसे कह रहा था ना कि आपने असल में जो आपने ग्रुप बनाया ना, वो बेसिकली जेनेरिक नहीं बनाया ना, वो आपने टारगेटेड बनाया। नहीं, मैं आपको इसे बता सकती हूँ, इसमें आपको बता सकती हूँ रीजन, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई मैं इस्माइली थी, मैंने आपको अभी आपकी दुआ तर्जुमे के साथ, मैं आपको पूरी दुआ पढ़ के सुना सकती हूँ, मैं आप लोगों के जितने भी फरमान है मेरे हाथों पे मैंने याद किए हुए थे फरमान, लेकिन मैं बरेलियों से रिवर्टल नहीं कर सकती। मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अभी स्टिल मेरा जो कन्वर्जन हुआ है, रिवर्ट में हुई हूँ, अभी स्टिल मैं तफसीर पढ़ रही हूँ, हदीस में पढ़ रही हूँ, तो मैं उनसे बहस नहीं कर पाऊंगी, मैं उनको कन्वेंस नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए बाकी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई यार, मुझे हो गए 10-10.5 साल हो चुके हैं तकरीबन। तो आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? मेरी 21 थी। 21 थी, तो आपके पेरेंट्स उस टाइम हयात थे? मेरे वाले साहब जी, मेरे वाले साहब का पिछले साल इंतकाल हुआ। ओके, एंड योर मदर वाज नॉट अलाइव दैट टाइम? नहीं, मेरी वालदा शुरू से जो है वो इस्माइली नहीं है, तो वो बरेलवी मसलक से हैं। अब देखिए ना, आपका यही से तो मसला है ना, यू आर नॉट एक्चुअली इस्माइली। मैं ये नहीं बोलूं कि गलत है या सही है, दैट्स फाइन, ठीक है। मैं प्रैक्टिसिंग मेरी बात सुन लीजिए, मैं प्रैक्टिसिंग इस्माइली थी, मेरी पूरा ददियाल इवन ननियाल सारे प्रैक्टिसिंग थे। मेरी मदर की अगर बात करेंगे तो वो भी जमात खाने आती जाती इसी तरह जैसे वो इस्माइली, क्योंकि इतना कोई फर्क नहीं है, पुकारते दोनों ही है अपने मामों को, नहीं है ना, तो कोई प्योर इस्माइली अगर होना जिसका बैकग्राउंड भी पूरा इस्माइली हो तो वो समझ आता है कि यार ओके फाइन वी कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन अगर आप कन्वर्ट, देखें आपको, आपका प्योर बैकग्राउंड है, आपका प्योर बैकग्राउंड है, लेकिन आप
डिफेंड नहीं कर पा रहे। मैं अगर हाफ भी स्माइली रह चुकी ना, लेकिन मैं आपसे पूरी तरह बात कर रही हूँ आपके अकीदे पे, क्योंकि मैं नाम निहाद स्माइली नहीं थी, मैं बहुत ही स्टॉन्च बिलीवर थी हाजिर इमाम की। ठीक है, अभी भी आप देखें कि मैं उनको हाजिर इमाम ही कहती हूँ। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अब जिसको इतना अरसा मैंने इज्जत दी, अब उसको मैं जो है ना वो तू तड़ाक करके बात करूँ। लेकिन आप अगर बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग भी है ना, लेकिन मेरे भाई आपकी जो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आपको यही नहीं पता कि इमाम नूर है, इमाम मजहर है, इमाम हाजरुल मौजूद है। आप सही कह रही हैं कि मेरा हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि मैंने ज्यादा मुताला नहीं किया हो। ठीक है, आई एग्री विद दैट। मेरा पॉइंट ये है कि आपका जो डाइवर्जन का जो सेंटर था या एपिसेंटर था वो क्या बना, क्या वो हाजरुल का अपना लाइफस्टाइल था या जो बाकी जो लीगल चीजें हैं वो चीजें थी, लाइक नॉर्मल प्रैक्टिसेस या नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स? किस वजह से आपको लगा कि नहीं यार अब मुझे कन्वर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, कुरान की जब एक आयत हर दफा पढ़ाई जाती थी ना कॉलेजेस और स्कूल में, कि हमने इस कुरान को आसान बना। अक्सर हम मस्जिदों के बाहर से गुजरते थे तो बड़ी लंबी सूरत पढ़ना तो आता नहीं था, कुरान तो तर्जुमा पढ़ लेते थे। उसमें लिखा था कि अल्लाह ने ये कुरान आसान बना दिया, है कोई हिदायत पाने वाला, है कोई जो इससे हिदायत हासिल कर ले। तो मैं हमेशा ही कहती थी कि अगर कुरान आसान है तो हम ये इतना बातिनी तावीलात और इतनी हर मुतशाबी है बात की कि इसका ये मतलब ऐसा नहीं है जैसा कुरान में है, अब इसको इस तरह समझो। और उसको समझाने के लिए हजरत आदम के जमाने पे जाना पड़ता है। ठीक है, अगर एक नमाज को दुआ में बताना है कि नमाज जो है जो सलाह मुसलमान पढ़ते हैं ये तुम लोग ऐसी नहीं पढ़ो, तुम लोग दुआ पढ़ो, तो उसका सवाल जब हम करते थे ना क्यों, तो उसका जवाब मिशनरी कहाँ लेके आते थे, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, कि वो उनका नूर, फिर ये नूर, फिर वो नूर। तो आपको कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं मिलता था। इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल की बात हो तो बहुत बात की बात है। लाइफस्टाइल का तो मैं खुद बाहर मुल्क रही तो मुझे इतना फील नहीं होता था कि ये कोई बुरी बात है, क्योंकि जो चीज़ दिखाई जाती है उसे हम बिलीव करते थे। तो लाइफस्टाइल है, कोई बात नहीं। जब कुरान में सिखाया ही, कुरान कभी पढ़ा ही नहीं, और इमाम यही कहते थे कि मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म और औरतों का बाहर निकलना और औरतों को जो है वो सब कुछ, तो वो बड़ा अपीलिंग लगता था सब चीज़ें। लेकिन कुरान आसान है और मिशनरी और इमाम कहते हैं कि कुरान जो है वो बैकडेटेड हो गया है, उसको 1300 साल गुजर गए, तुम्हारे लिए गिनान जो है वो पीर सदरुद्दीन ने आसान कर दिए। कलाम इमाम मुबीन की कॉपी दूं आपको मैं? देखिए ना जी, मुझे बहुत इन डेप्थ जो आपके पास जो क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शंस हैं या स्क्रिप्चर्स हैं ना, उनमें लेके जाती है। मैं एक नॉर्मल लेट से आई डोंट गो इनटू बुक्स या मैं बहुत ज्यादा डीप में जाके एनालिसिस में नहीं कर रहा। मैं एक नॉर्मल प्रैक्टिस इस्माइली कहला सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए जो कॉन्सेप्ट है या मेरे लिए जो सरफेस लेवल पे जो नॉलेज है ना उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताया ना कि भाई मैं वो भी कर सकती हूँ, इसमें गलत है, आप इसमें सही है। मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट बता दिया और मेरे हिसाब से जो ना मैं हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 100% एक्यूरेट हूँ, हो सकता है कि कोई और सुन्नी या शिया भी हो सकता है कि 10% या 20% को गलती कर रहा होगा। आप हमेशा ना एक बात कर रहे हैं, आप हमेशा एक बात कर रहे हैं कि मैं दूसरों को रिप्रेजेंट नहीं कर, मैं अपने कॉन्सेप्ट, जब मैंने आपके ही कॉन्सेप्ट पे बात की कि भाई आप जब दुआ पढ़ते हैं आप उनको हाजिर मौजूद मानते हैं, आप उनको कुव्वत सहारा सब कुछ मानते हैं, तो आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। अगर मैं आपसे मुतालिक आपका अकीदा, मैंने आपको जवाब दिया है, नहीं दिया कि क्या हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम लेना या इमामों का नाम लेना या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना या मदद के लिए पुकारना, क्या ये शिर्क है? मैंने आप... ये शिर्क है, ठीक है, वो भी शिर्क है। ठीक है, तो आप इसका आप एडमिट करते हैं, आप ये एडमिट करते हैं कि आप जब हाजिर इमाम को हाजिरुल मौजूद कहते हैं, यानी ओमनी प्रेजेंट हर जगह पर मौजूद होने वाला, ओमनीपोटेंट बोलते हैं जिसे, तो आप क्या ये चीज बिना सोचे समझे बोल देते हैं या हाजिरुल मौजूद? नहीं, मैं ये सोच के बोलता हूँ कि जिस तरह से बाकी इमाम थे और बाकी पैगंबरान से, तो मैं ऑब्वियसली कंपैरिजन मेरी नहीं है क्योंकि खत्म नबूवत के बाद तो ऑब्वियसली कोई वही का नजूर। आपने चार दफा खत्म नबूवत की बात की, खत्म नबूवत का मेन जो पर्पस था वो क्या था? कि अब नबूवत खत्म हो गई, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आप इससे आगे ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, दीन कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह।
माशाल्लाह, दीन कंप्लीट हो गया, नबी नहीं आएगा। जब नबी नहीं आएगा तो उसका मतलब किताब नहीं आएगी, किताब नहीं आएगी तो उसका मतलब नए हुक्म नहीं आएंगे। सही कह रही हूँ मैं? तो जब नए हुक्म नहीं आएंगे, दीन मुकम्मल हो गया, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, तो फिर इतनी सारी तब्दीलियां आपके मजहब में कैसे आ गई? ओके, जो कोई भी अच्छे है, असल मकसद जो दीन का है वो यही है ना कि आप इस्लाम का जो एपिसेंटर है या इस्लाम का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो समझे, वो अपनाए और उसको अपने नॉर्मल प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल। तो अब अगर मैं ऑब्वियसली मैं नमाज उस तरीके से नहीं पढ़ रहा जिस तरीके से नॉर्मल बहुत सारे मुस्लिम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू नो हो सकता है, या बल्कि है कि मैं प्रॉपर नहीं कर रहा, ठीक है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो मेरे ठीक हैं और उसमें आप खुद ही जो है ना इंटरफेयर करके आप मुझे इंप्रूव करके आप मुझे बोले कि नहीं ये तो आप गलत कर रहे हैं, तो ये क्या गलत नहीं होगा? देखिए इसमें ये है ना कि अगर आपको आपको टॉक ऑन द कॉल ऑन द फोन तो इसमें ये कर सकते हैं ना कि देखिए अगर एक कॉन्सेप्ट आपका है और एक विजन मेरा है, ठीक है, अगर हम दोनों अपने विजन कुरान पर ही बेस कर दें तो क्या वो करेक्ट नहीं हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन देखिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट ये कि भाई इमाम आपको कुरान और सुन्नत दोनों को जो ना सही तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो फिर व्हाई डू आई ठीक है, ठीक है, अब हम इसी पॉइंट पे रहें, इसी पॉइंट पे रहें, इसी पॉइंट पे रहते हैं, नहीं जाना चाहिए, इसी पॉइंट पे रहते हैं। ओके, सॉरी,